हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में आप किसी भी डाटा का बैकअप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उस डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर आ जाना है, आप देखते हैं अबाउट फोन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे आ जाना है, आप यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगी आपको बैकअप एंड रिस्टोर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और मोबाइल डिवाइस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अगर आपने लॉक स्क्रीन सेट किया है वो खोल लेना है। और अब आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगी तीन। अगर आपको SMS कॉल हिस्ट्री वगैरह का डाटा बैकअप करना है पहली वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको सिस्टम ऐप का डाटा करना है बैकअप तो दूसरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको ऐप्स जो थर्ड पार्टी ऐप्स हैं उनका डाटा और ऐप को बैकअप करना है तो तीसरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं ये पहली वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, बैकअप पर क्लिक करेंगे। गॉट इट, बैकअप क्रिएट होना शुरू हो गया। यहाँ पर जब 100% हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और आपको रिस्टोर करके बताता हूँ। मोबाइल डिवाइस पर क्लिक करेंगे, फिर से लॉक स्क्रीन ओपन करेंगे और दोस्तों बैकअप के साइड में ही रिस्टोर के ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपने फाइल रिसेंटली बैकअप की क्रिएट की है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगी डेट और टाइम के साथ, आपको उस पर क्लिक कर देना है, इसे सिलेक्ट कर लेना और रिस्टोर पर क्लिक कर देना है। जो आपका बैकअप फाइल है वो रिस्टोर होनी शुरू हो जाएगी।